लेकिन धनंजय गिरी जी, इस बार की लड़ाई थोड़ी पहले से टफ है। सीधा मुकाबला आपका कांग्रेस से है और राज्य में जो मुद्दे हैं जिन पर पार्टियां बात नहीं कर रही हैं, मैं याद दिला देती हूं, जिसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, दूसरा बेरोजगारी की समस्या है ही वहां पर, आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है यूथ को, कब कैसे कहां मिलेगा ये नजर नहीं आता किसी भी पार्टी की मैनिफेस्टो में, जबकि यूथ यही सुनना चाहता है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इन सब पर, किसानों की समस्याएं हैं दूसरी, इन सब पर बात कब होगी? ये काम नहीं हुए हैं तो ये चैलेंज बना हुआ है लगातार, इसका जवाब तो देना होगा। विपनेश जी, हमारी सरकार सुचिता की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और लगातार इस पर बात कर रहे हैं हम। डबल इंजन की सरकार में भी सर ये समस्याएं बरकरार है राज्य में, तो क्या जनता ये नहीं सोचेगी आप बार बार डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं? अभी कर्नाटक के लिए हाल ही में 1,00,000 करोड़ का विकास का पैकेज लाया गया है, जिससे कर्नाटक का विकास भी होगा, बेंगलुरु और एक्सप्रेसवे हाईवे का 8,500 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी संचालित किया गया। जिस तरह से कर्नाटक के नहीं देश के चहुमुखी विकास किया जा रहा है, कर्नाटक में उसका छूता नहीं है और ये कर्नाटक का एक एक व्यक्ति जान रहा कि कर्नाटक का विकास अगर कोई कर सकता है, कोई उसको आगे बढ़ा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। भय भूख और भ्रष्टाचार को मिटाने का नाम भाजपा है और भाजपा ही भाजपा कर्नाटक को आगे लेके जा सकती है, मुख्य धारा में ला सकती है, अव्वल बना सकती है। और प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों में आप उमड़ती हुई भीड़ और आदरणीय अमित शाह जी और नड्डा जी जब गए हैं तो कांग्रेस के अंदर मची हुई खलबलाहट और बौखलाहट ये इस बात का संकेत कर रही है कि भाजपा की सरकार वह पंडित तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इकोनॉमी को अगर 10 से 5 नंबर पर लेके आई है तो विकास के लिए लेके गई है ना, हर पूरे राष्ट्र का विकास समग्रता में किया जा रहा। निजाम जी, दोनों मतलब बीजेपी जेडीएस जो सवाल ऐसे शंकरना कह रहे हैं कि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, कर्नाटक की जनता ने आपको भी मौका दिया, आपने भी वो वादे पूरे नहीं किए, उन समस्याओं को आप दूर नहीं कर पाए, बीजेपी भी उसी लाइन में लगी हुई नजर, हमको भी 5 साल का मौका मिला, तो ये वादे जो अब किए जा रहे हैं पहले क्यों नहीं पूरे हुए? विपनेश जी, धनंजय के झूठों को नमस्कार, इतना झूठ बोलते हैं। बैंगलोर सिटी की जनता ने प्रणाम किया हुआ है। अरे भाई, मेरे भाई, 2.5 लाख को कांग्रेस, धनंजय जी 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ किसके जेब में गए वो बताइएगा। धनंजय जी ये बताइएगा, 3 साल में 2.5 लाख करोड़ आपने जो खर्चा लिया है किसके जेब में गया है, किसकी कमीशन में गया है ये बताइएगा। अगर छापे में जो मिला था वो मंदिर का प्रसाद नहीं था, वो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, विरूपक्ष 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 मडाल के घर में किसके, आपके घर का प्रसाद था वो, विरूपक्ष मडाल के घर में जो पैसा मिला क्या आपके घर का प्रसाद था? बाहर किया गया है, आप मुझे बताइएगा कि जो 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर्स अपना आत्महत्या करके मर जाते हैं उनके घर में आपका प्रसाद गया था? आप कैसी बातें करते हैं, आप हमारी बात सुनिएगा। अभी जब सीएसएम कृष्णा की गवर्नमेंट थी कर्नाटक में, तब से हमने आईटी कॉरिडोर पे काम किया था, वहां से बैंगलोर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इट वेंट ऑन टू द रैपिड पेस, इतना काम हुआ था कि सारे देश के लोग, दिल्ली से हो, आपके उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हर जगह से लोग आकर यहाँ पे बसने लगे। इंजीनियर्स वहां पे जो नौकरी नहीं मिल रही थी कर्नाटक में आकर यहाँ पे नौकरी करने लगे, आज भी लोग यहीं पे सेटल्ड है, आपके प्रदेश आना नहीं चाहते हैं, साल में एक बार छुट्टी के लिए आते हैं, ये बात याद रखिएगा, कर्नाटक उसको कहते हैं। कर्नाटका में लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हमने अपनाया है, हर लोगों को हमने नौकरी दी है, हर आदमी जिसके दिल में एक आकांक्षा थी, जिसके मन में एक सपना था, हमने उनको अपनाया है, उनको नौकरी दी है, उनकी जिंदगी को संवारा है। आप क्या कहते हैं कि हमने हमने ये कर दिया वो कर दिया, आप बताइएगा 2.5 लाख करोड़ जो आप लोगों ने इतना खर्चा लेके डुबा दिया उस पैसे को, आप उसका जवाब कब देंगे? 70 साल में 2.5 लाख करोड़ था, आज 5.5 लाख करोड़ हो जाता है, आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और कहते हैं कि डबल इंजन सरकार तो फेल हो चुकी है। अब अमित शाह कहते हैं कि अगर आप हमें नहीं वोट दोगे तो दंगे हो जाएंगे, उसी तरह कहते हैं आपके नड्डा, कहते हैं अगर आप वोट नहीं दोगे तो आप मोदी जी का आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। तो ये कैसी राजनीति करना चाहते हैं आप?
पहले एनआरसी, सीएए, उसके बाद में कहते हैं यूसीसी। अरे डेवलपमेंट के बारे में तो बात कीजिएगा, गरीबों को आप कैसे बीपीएल से एपीएल लाएंगे ये बताइएगा, कि लोग अपने पैरों पे कैसे खड़ेंगे ये बताइएगा, जब लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं उनकी नौकरी वापस कैसे करेंगे ये बताइएगा। आप कहते हैं कि डबल इंजन सरकार है, यहां डबल इंजन सरकार में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लेके कैसे आपने डुबा दिया ये बताइएगा, कि आपके इंजन इतना पेट्रोल पीती है और इतना धुआं फूंकती है कि 2.5 लाख करोड़ का पेट्रोल आपने बर्बाद कर दिया। आप ये हमें जवाब दीजिएगा कि कर्नाटक का जो इतना अच्छा आर्थिक स्थिति थी, आपने उस आर्थिक स्थिति को कैसे बर्बाद कर दिया। जल्दी से आपने ये बताइएगा कि रुक करूंगी, धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। विपनेश जी, इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है और वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश सिद्धांत है कि अगर आप किसी के जेब में 1 रुपया देते हैं तो उसको 90 पैसा का फायदा होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया लगाते हैं तो 2.45 रुपया का। तो आपने कहां लगाई उसका जवाब दीजिएगा, यहां पे लेक्चर मत दीजिए। डेवलपमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कहिएगा कि अमित शाह ने कैसे कह दिया कि यहां पे दंगे होंगे, आप ये कहिएगा कि नड्डा ने कहा कि आप आशीर्वाद आशीर्वाद से वंचित रह जाएगा कर्नाटक का। कौन है अमित शाह जी, कौन है नड्डा जी? सुन लीजिए आप, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। कांग्रेस लाल चिल्लाए उसके कांग्रेस अपने करप्शन पे पर्दा न डाल पाए, कांग्रेस झूठ मूठ के चिल्लाए झूठी। अरे कौन सा सीएम बैठा हुआ सीएम जेल, किसकी पार्टी से गया जेल? झूठी कांग्रेस चिल्लाए। अरे भाई कांग्रेस के सिटिंग सीएम किसकी कौन सी पार्टी से जेल गया ये बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी ब्रदर्स आपकी कौन है ये बताइएगा। डेवलपमेंट हो रहा है एक परिवार का, रेड्डी ब्रदर्स किसके सुनाई भी नहीं दे रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं, और सुबह की डिबेट में हम इस तरह की बहस से बचते हैं। धनंजय गिरी जी और निजाम जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।